मोदी जी दे रहे हैं और मोदी देता रहे अच्छा वोट अध्यांगा भी आगे क्यों दे रहे हो वोट भाई विकास करे हो हिंदुस्तान को नाम करे से बढ़िया देश को प्रधानमंत्री से एक नंबर को प्रधानमंत्री से कोई कोई दाग नहीं और कोई नहीं ऐसा शेर हिंदुस्तान को कभी मिलेगा नहीं मिला है मिला भी नहीं है नहीं मिला। देखो घर से बाहर निकलो दरवाजे के सामने पानी, घर से बाहर निकलो दरवाजे के सामने टॉयलेट, घर से बाहर खेत में जाओ खेत में पानी, वो क्या चाहिए? बिजली पानी जमींदार का पूरा होता है। कोई कमी नहीं है प्रधानमंत्री में। कांग्रेस कभी ये नहीं बताएगी 370 धारा क्यों लगाई। कांग्रेस कभी ये नहीं बताएगी कि जो निमंत्रण रेखा थी वो LOC कैसे बन गया। कांग्रेस ये नहीं बताएगी सिंधु जल का पानी 1/3 पाकिस्तान में क्यों चला गया। ठीक, आज वही जम्मू कश्मीर है, सेना के मुंह पे थूकते थे हम, मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, अच्छा सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, लेकिन आज वही जवान वोट डाल रहे हैं। 14% वोट होता था, आज कितना 40% से ऊपर हो गया। तो कुछ तो कारण होगा बदलाव का, कुछ तो कारण होगा। विदेश अमेरिका के पीछे पीछे मनमोहन सिंह जी कठपुतली जैसे चलते थे, अभी वो ढूंढता है मोदी कहाँ खड़ा है करके। आप ये मानते हैं कि डिफेंस अभी मजबूत हुआ है मोदी जी का? जी कई गुना मजबूत हुआ है। लद्दाख में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, पगडंडी से जाते थे, ये भी ओनली लेफ्टिनेंट साहब से रिटायर हैं, रास्ते नहीं थे लद्दाख में जाने के लिए, आज हाईवे बने हैं। अच्छा, कोरोना टाइम में बने हैं, सबसे बड़ी बात कोरोना टाइम में बने हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस टाइम लेबर नहीं था, तब भी वो लोग काम किया है, तो फिर काम तो दिखता है। पूरे भाई कोई विधायकों की को आगे को पूछना अन्ना, हमने मोदी मोदी सीधा, लेकिन ये चुनाव मोदी का है। विधायक का नहीं है। नलका में बात आई, विधायक जी कह रहा भाई नलका पानी खूब दे रहा था, आज तक लाइन नहीं दबी है, पर मोदी की मेहरबानी से उन्हें सगड़ा नहीं दूंगा, आज पकड़ के भगा देता, पर मोदी मोदी को नहीं, टीम ने फिर आऊंगा। अच्छा विधायक को छोड़ो, फिलहाल चौधरी साहब की बात करो, क्योंकि उम्मीदवार वो है लोकसभा चुनाव में, जो उम्मीदवार है वो चौधरी है। अभी मोहित वो ले रहा है कि अगले 5 साल मैं रहूंगा जनता के बीच में, ठीक है, हर गांव में जाके वो ये बोल रहा है कि मैं रहूंगा। मेरी पर्सनली बात हुई उनसे, आज भी हुई है, पहले भी हुई है, कि पापा जी की जो पीछे चला गया उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आगे 5 साल मैं रहूंगा, कोई भी काम है तो आओ मेरे पास में। अभी ये मोहित भी अपने ऊपर ले रहा है। हाँ जी साहब, आप भी मतलब डिफेंस? हाँ, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, और जो देश देश के लिए जो मोदी ने किया है ना, वो ना आज तक हुआ और ना किया। अगर देश ने मोदी को खो दिया तो अपना सब कुछ खो दिया। अभी हम 152D के ऊपर जाओ, चंडीगढ़ जाने के लिए 12 घंटे का सफर होता था, वो 4 घंटे में चंडीगढ़ चला जाता, पता भी नहीं चलता। इधर चले जाओ जो बाड़मेर के लिए रास्ता गया, रेवाड़ी से दिल्ली के लिए जाओ, पता चलता। साधन की भी बचत है, पेट्रोल की भी, और समय की भी, हर चीज़ की बचत है। और जो डिफेंस के लिए किया है वो तो काबिले तारीफ है, गांव में लोगों को पता ही नहीं चलता। जिस रफाल को खरीदने के लिए वित्त मंत्री जो कांग्रेस का था पी चिदंबरम, ये बोलता था हमारे पास बजट नहीं है, अभी रफाल रोज खरीद रहा है। जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब है वो हिंदुस्तान जो पहले इंपोर्ट करता था वो आज एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस का, टैंकों का, इनका वंदे मातरम ट्रेन जो है भी हिंदुस्तान अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी खुद की ट्रेनें बना रहा है। हम तो मोदी के भगत हैं, मोदी के लिए वोट देंगे। जो मोदी ने इस देश के लिए किया, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान दिवालिया हो गए, और आज भारत की आर्थिक स्थिति देखो, कहने से नहीं हकीकत में, मतलब मोदी ने जो काम किया है। और मेरी 4 साल टर्नओवर सेना के अंदर भुज की थी, वहाँ मैंने प्रैक्टिकल देखा, लोगों ने गए नहीं है गुजरात में। जो अभी बोला है कि हर घर गैस की पाइपलाइन होगी, कोई जरूरत नहीं है सिलेंडर की, गैस पीली पाइपलाइन घरों में लगी हुई है, वहाँ से गैस सप्लाई होगी, मीटर लगा होगा, जितनी गैस कंज्यूम उतना अपना बिल पेमेंट कर, देर इज नो नीड ऑफ एनी LPG सिलेंडर्स। उसके बाद नल से जल, ये प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद यहाँ मंत्रालय बनाया गया है, जिसको शेखावत जो जल मंत्री बनाया गया, जिसके बाद इसने घर हर घर नल से जल, ये उसकी योजना, प्रधानमंत्री ना किसी सरकार की स्टेट की योजना है, ये उसकी योजना है। और पूछे जो डिग से फिल्टर पानी करके, बहुत 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 उज्ज्वला योजना है। अभी ये जो 300 हर जो सरकार, जैसे केजरीवाल है वो बोलता है फ्री बिजली, फ्री बिजली कोई भी देश नहीं दे सकता, देश देगा तो श्रीलंका जैसी हमारी हालत हो जाएगी अगर काश। अभी राहुल गांधी बोलता है एक लाख रुपए खटाखट खटाखट, मोदी ने बदनाम करे ये विधायक है, गरीब वीरवाणी को समर्थन कर लो।
बीमारी केजरीवाल के खिलाफ फ्री की चीज आप इंसानों को दे सकता है क्या? जय का गरीब वीरवानी सांसद जारी ने वो पिटवारे गुंडांग ने वो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन लाग से प्रधानमंत्री बने को वो कुछ भी नहीं बन सके कुछ भी नहीं मिल गठबंधन में भी है वो, अरे यो तो भाई मैं बताऊं सुनो सुनो कैक्सी अगर मान लो खुदा ना खास सही दस दस पांच पांच लेगा तो प्रधानमंत्री बने कौन को अनका जूत बाजिंग और सारा मोदी को सलाम करेंगे आके अच्छा लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है कौन ना एक एक साल को एक अच्छा एक साल में एक पांच साल पांच महीने अनका जूत बाजिंग अच्छा मैंने ये डॉक्टर में सही कह रहा है कि सपने नींद में क्या आ रहे हैं कि ये बात हथियार कैसे बिक्री करने लगे अध्यक्ष तो पप्पू है वो क्या करेगा उसकी उसकी वजह से मोदी जी का विधायक सेना जी कमजोर आपका कहने का मतलब ये विधायक सेना मोदी जी ने ये खराब कर रहा है कमजोर लायक तो हो कमजोरी के लायक तो हो वो किसी लायक ही नहीं है तो सीताराम का यहाँ झूठ अगर वो 300-200 सीट आ जाए उसकी विपक्ष हो गया लेकिन नेता तो नहीं है विपक्ष कमजोर तगड़ा होने से मतलब नहीं है विपक्ष के पास पावर आ गया तो उससे मतलब लेकिन उसमें वो क्वालिटी भी तो चाहिए विपक्ष के लायक वो क्वालिटी नहीं है विपक्ष के लायक विपक्ष के पास क्वालिटी नहीं है क्वालिटी नहीं है सारे इकट्ठे भी वो विपक्ष में बैठने के लायक भी क्वालिटी नहीं है सरकार तो छोड़ दो सर्वोपरि है ठीक है जब तक राष्ट्र नहीं है ना हम हमारे रहने का कोई फायदा नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है करीब और जो मोदी ने इस देश के लिए किया है शायद ही कोई आने वाली पीढ़ी करे अच्छा तो आप क्या मानते हैं कि महेंद्रगढ़ भिवानी को किस प्रकार से फायदा मिलेगा अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री मोदी फिर मिल रहा है हर साइड से मिल रहा है फायदा देश विकास करेगा तो हर आपका विकास होगा मेरा विकास होगा हर एक का सार्वजनिक विकास होगा 152 देखो ना प्रैक्टिकल यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है ये रोड कहाँ से हमने तो देखा नहीं था एलिवेटेड रोड है जो 12 घंटे लगते थे चंडीगढ़ जाने के अब 4 घंटे लगते हैं पता भी नहीं चलता मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ अच्छा सबका साथ सबका विकास क्या मानते हैं सही है हाँ सही है सबका साथ सबका विकास सबका पहले नहीं होता था सब नहीं पहले कहाँ होता था पहले किसे होता था ना अभी जिसके जहाँ जितने संपर्क उसका उतना काम लोगों को जो ये खट्टर के बारे में बोल रहे खट्टर भी इतना नहीं है पहले जितनी भी नौकरियां मिली पर्ची और खर्ची जिसकी पर्ची पूछ गई उसकी नौकरी पक्की नहीं तो अभी योग्यता के आधार पर नौकरी ली मैं तो समर्थक हूँ अच्छा। पहले जिसका दमखम है राजनीति में उसको नौकरी मिलती थी और जिसका पर्ची नहीं पूछी उसकी नौकरी नहीं थी मेरे भी तुष्टिकरण हो रहा है पहले भी होता था आज दूसरी बात है दूसरी तरफ से हो रहा है आज पहले बोल करके होता था तुष्टिकरण आज खुलेआम हो रहा है तुष्टिकरण तो चल रहा है देश के अंदर तुष्टिकरण की राजनीति तो बहुत बढ़ावा मिल गया है इससे देश को नुकसान होता है न कि कैंडिडेट मतलब किसी पार्टी को या किसी नेता को फायदा होता है इससे देश को नुकसान होता है तुष्टिकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए अब हमारे दर्शकों को समझाए तुष्टिकरण की राजनीति तुष्टिकरण की राजनीति हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो जाति पाति नहीं होनी चाहिए आज बोल रहे हैं अब वो राजीव गांधी नहीं ये राहुल गांधी बोल रहा है कि मैं 8,500 रुपये गरीब के खाते में खटाखट भेज दूंगा अब वो पैसा का इंतजाम तो बताए कि कहाँ से लाएंगे भाई देश तो टैक्स पेयर से चलता है मिडिल क्लास चलता है टैक्स पेयर से चलता है वो पैसा कहाँ से देंगे अपनी जेब से देंगे या अपने घर से देंगे वो पैसा तो देश की जनता का ही है टैक्स पेयर का ही तो है वो बताए ना कि इस मद से हम निकाल करके इसको देंगे जनता को ये तो मतलब सोचनी चीज तो होना चाहिए व्यवस्था होनी व्यवस्था नहीं होनी आप हमने बोल दिया देंगे कहाँ से वो तो बताइए रोड मैप तो होना चाहिए मतलब ये चुनावी वादे खाली जुमला है जुमलेबाजी कर रहे हैं अब 8,500 का रोड मैप बताइए अगर उस मद से लेंगे हम गरीबों को दे देंगे अच्छा है बढ़िया है दीजिए ना कौन कहता है मगर कोई रोड मैप तो होना चाहिए तुष्टिकरण से मतलब था जैसे तेलंगाना में और कर्नाटका में धर्म के आधार पर एक्शन इंक्लूड कर दिया वो ही चीज वो तुष्टिकरण जो बोल रहे थे उनका मतलब ये था कि धर्म के आधार पर एक्शन मत दीजिए कर्नाटका अगर हिंदुओं की जाति ढूंढ रहे हो तो उनकी जाति ढूंढो और उनको मिक्स मर्ज करो दे दो आरक्षण अच्छा ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कर्नाटका में अपने धर्म के आधार पर आरक्षण मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है वो ही बीजेपी कह रही है भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए मतलब कांग्रेस ने कर्नाटक में आरक्षण दे रखा है अच्छा दे रखा मुस्लिम धर्म को उन्होंने ओबीसी ये जो अपने SC ST के कोटा काट करके और उसको मुसलमानों को जो है उन भाइयों को मुसलमान न से अच्छा वो तो न्यूज आना है कि भाई हिंदुआ ज्यादा हो यार मेरो राज हो गया वो तो है टाइप को और पैसे की बात है पैसा कितने ले आओगे वो और पैसा जितना गरीबान देगो उतना घना पौवा मारेंगे और बर्बाद होगा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे गरीब कमाओ क्या पौवा मारेगा छुट जाएगी हां बस पैसा किसी देश को डुबोना है
तो उसके वहाँ की जनता को फ्री की आदत डाल दो। उदाहरण के तौर के ऊपर अमेरिका का एक देश था वेनेजुएला, सबसे अमीर देश था। सिर्फ सरकारें आई, उन्होंने फ्री की आदत डाल दी, लोगों ने कमाना छोड़ दिया। आज सबसे गरीब जो देश है वो वेनेजुएला कंगाल हो गया। मतलब वही यहाँ हिंदुस्तान की सरकारें करना चाह रही हैं, फ्री की आदत डाल दो और देश और मारो। हाँ जी, कमाणो आज को नया फ्री को आओ तो क्यों कमाऊंगा भाई। ये वादा करी नरेगा में 80% भ्रष्टाचार है, हर आदमी मानता है, कहीं चले जाओ 100 गांव सिर्फ 20 का दी। नरेगा में कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि उसमें ईमानदारी का उसका फंड इस्तेमाल हो रहा है। 80% भ्रष्टाचार में जा रहा है नरेगा का फंड।